और अब बात करते हैं शहडोल की, जहां बीते शुक्रवार को मुखिया द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बुढ़ार रोड स्थित अनमोल पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार संचालित हो रहा है एवं वर्तमान में कुछ युवक युवती होटल में रुके हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक शहडोल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन में महिला सुरक्षा शाखा एवं पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम द्वारा अनमोल पैलेस होटल में दबिश दी गई, जहां पर अलग अलग तीन कमरों में लड़का लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पाए जाने पर उनके विरुद्ध महिला थाना शहडोल में विधिक कार्यवाही की गई है। अनैतिक देह व्यापार के इस कारोबार में शुभम विश्वकर्मा, पिता शिवनाथ विश्वकर्मा, उम्र 19 वर्ष, निवासी जिला सीधी, मोहम्मद साहिद खान, पिता मोहम्मद मगरूर, उम्र 26 वर्ष, निवासी विंध्या कॉलोनी नौरोजाबाद, जिला उमरिया, एवं आकाश कुशवाहा, पिता हाकिम सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुर, थाना अंतरी, जिला ग्वालियर को उनके साथ आई हुई तीन महिला साथियों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। विराट 24 न्यूज के शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ पीछे नहीं नहीं ठीक है ठीक है कहाँ ले जाऊँ सर। एक होटल में आज कार्रवाई हुई है देह व्यापार से संबंधित, क्या पूरा मामला है, क्या खबर? पुलिस अधीक्षक को खबर मिली थी कि एक होटल है बुढ़ार चौक पर, होटल अनमोल पहले, उसमें देह व्यापार संचालित हो रहा है। काफी दिनों से खबर की बात थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मेरे मार्गदर्शन में हमारे DSP महिला अपराध अंकिता सूर्या और उनकी टीम ने वहाँ पर दबिश दी है और वहाँ पर तीन जोड़े रंगे हाथ पकड़े हैं और वहाँ के होटल मैनेजर और मालिक को भी इसमें लिप्त पाए गए हैं। उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई महिला अपराध थाने में की जा रही है। सर पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी के मामले को सामने आए हैं, क्या पूरा मामला? जी हाँ, जब मौके पर पुलिस की कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पत्रकार बंधु भी पहुँच गए थे और उन पत्रकारों के साथ में भी होटल मैनेजर के परिवार के सदस्यों ने बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, धमकी दी है, इस पर भी उसमें अपराध पंजीबद्ध हो रहा है, उसकी भी जाँच पुलिस कर। सर होटल में रुकने के दौरान जो है पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान पूरे डॉक्यूमेंट जो है पुलिस प्रशासन को भेजा जाता है, किसी भी होटल की बात हो, उसके बावजूद भी सर ऐसी घटना जो है कैसे घटित हो जाती है? इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं उसकी जांच करेंगे और इस संबंध कार्रवाई करेंगे।